हे गाइस, वेलकम बैक और सभी का स्वागत है एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। और गाइस, आज ओवर रश में हम जो चीज़ करने वाले हैं, आई थिंक जब से ये सीरीज मैंने शुरू की है, आई डोंट नो मैंने इससे पहले कभी किया है, बहुत ही टफ सी चीज़ होने वाली है आज। वो ये है गाइस कि आज हम तीनों हीरोज विद डार्क एलिक्सिर अपग्रेड करने वाले हैं। देखो, तीन हीरोज तो हमने पहले भी अपग्रेड किए हैं, बट वो किंग क्वीन एंड वार्डन था। बट अब किंग क्वीन एंड रॉयल चैंपियन को अपग्रेड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रॉयल चैंपियन को लगेगा 1,00,000 डार्क एलिक्सिर और किंग एंड क्वीन को आप देख रहे हो एन एवरेज 52-53,000 डार्क एलिक्सिर लग रहा है। तो मेरा प्लान ये है कि पहले दोनों को अपग्रेड करेंगे, किंग एंड क्वीन को, और उसके बाद मेरे पास ट्रेजरी में थोड़ा सा लूट पड़ा हुआ है, एंड उसी के साथ गाइस आई थिंक कि मुझे पास यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क लेजर है जिसको क्लेम करके हम अपग्रेड करेंगे। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरे पास एक बुक भी है एंड उसी के साथ एक रून ऑफ डार्क लेजर भी है, जो कि बहुत ही जूसी है, क्योंकि रून ऑफ डार्क लेजर की मदद से हम फिर से भर लेंगे अपना पूरा स्टोरेज और फिर से अपग्रेड लगाएंगे। क्योंकि रॉयल चैंपियन का जो अपग्रेड टाइम है ना, अगर आप देखोगे बस 16 आवर्स हैं, इसका मतलब ये है कि 16 आवर्स के बाद मैं उसके बाद एक और लेवल डाल सकता हूँ, ह्यूज है मेरे लिए। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा ट्रॉफी पुश कर रहा हूँ, अभी करंटली हम 2280 पे है और जो लूट मिल रहा है ना मुझे, काफ़ी चुम्मा मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप स्क्रीन पे, 8,00,000 एलिक्सिर, 10,00,000 एलिक्सिर, 7,15,000, 7,26,000, 8,75,000, 8,90,000, 8,73,000, 6,00,000, 8,45,000, आप सोच सकते हो कितना एलिक्सिर मिल रहा है। और अभी एलिक्सिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर एलिक्सिर के सर्च पे जाता हूँ ना, तो डार्क तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है। तो अभी मैं डार्क के सर्च पे नहीं जाता हूँ, एलिक्सिर के सर्च पे जाता हूँ, क्योंकि एलिक्सिर से बहुत काम भी है, आर्मी कैंप्स वगैरह अपग्रेड करने हैं, बैरक्स वगैरह अपग्रेड करने हैं, मीनवाइल ग्रैंड वार्डन को भी अपग्रेड करना है, तो काफ़ी काम है। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उसी के साथ एक चुम्मा वाला सपोर्ट जो आप हमेशा यूज़ करते हैं मुझे, वो है कोड अड्डा। गाइस, कुछ भी इन गेम परचेस करने से पहले अड्डा कोड जरूर यूज़ करें, बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे एंड इस फैमिली को, तो गाइस डू सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे गाइस, वो है ऑब्वियसली एक अटैक करेंगे, एक अच्छा सा तगड़ा सा मोटा सा भारी सा लूट गेन करेंगे, क्योंकि एक बार किंग क्वीन अपग्रेड पर डाल देंगे उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसी से अच्छा ये है कि सबसे पहले ये लूट का काम जो वो निपटाते हैं, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि 7,00,000-8,00,000 ऐसा मिल रहा है, तो वैसा ही एक लूट सर्च करते हैं। वाओ गाइस, वाओ, 11,00,000 एलिक्सिर है यहाँ पे और बेस भी काफ़ी वीक है, हम आराम से इस बेस को क्लियर कर देंगे, इसका पूरा लूट सफा चट कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, थोड़ा फनल क्रिएट करने के लिए किंग एंड क्वीन को इस साइड से ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोज को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे। अब इलेक्ट्रोज का जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगता है, आपको पता ही है कि इतना कम टाइम में वो अटैक फिनिश करते हैं ना, कि अब क्या ही बोलूँ मैं। अर्ली रेज एंड अर्ली वार्डन एबिलिटी, जैसे कि हमेशा इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक में किया जाता है, यहाँ पे हम फ्रीज कर देंगे इस चीज़ को। और ब्लिम का जो लून है, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे मुझे कोई रेज स्पेल की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेज मुझे यहाँ चाहिए। नाइस, गोइंग गुड, यहाँ पे एक फ्रीज करते हैं और इस अकेला इलेक्ट्रो को एक रेज करते हैं, ठीक है, एक फ्रीज और करेंगे यहाँ पे, जूसी। अरे ये इलेक्ट्रो थोड़ा आगे बढ़ता तो मज़ा आता, बट चलो कोई ना, यहाँ पे एक रेज कर देते हैं एंड उसी के साथ आई थिंक वी डिड इट गाइस, यहाँ पे आरसी को सेंड करते हैं। वैसे आरसी से ज़्यादा कुछ बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है आरसी मेरी काफ़ी लो है, बट मुझे ये एयर डिफेंस चाहिए बस, ये एयर डिफेंस मिलने से बहुत बड़ा मुझे बोनस मिलेगा। कम ऑन, जल्दी ये वाला एयर डिफेंस निकाल लो, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे लेवल 2 रॉयल चैंपियन से। भाई लेवल 2 रॉयल चैंपियन ने भी कुछ बुरा नहीं किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, और क्योंकि डिफेंस काफ़ी लो है इस बेस में तो इतना दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ गाइस, कि थोड़ा सा ट्रॉफी आप करना पड़ेगा, क्रिस्टल मास्टर्स यहाँ तक आना पड़ेगा, तभी आपको ऐसे लूट्स मिलेंगे। एकदम सिल्वर लीग या फिर गोल्ड लीग में एकदम नहीं मिलता, एकदम डेड बेसिस होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं है उन पे। तो सबसे अच्छी बात है, जब से मैंने क्रिस्टल में मूव किया ना, बड़े बड़े लूट मिल रहे हैं और अपग्रेड्स भी अच्छे से मेरे हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये अटैक फिनिश किया, आप देख सकते हो मेरा डार्क जो है वो फुल हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम आ चुका है कि हम जाके फटाफट अपने हीरोज़ को अपग्रेड पे लगा दें। तो सबसे पहले हम जो हीरो को अपग्रेड पे लगाएंगे वो है आरसी। आरसी को अपग्रेड पे लगाने के बाद हम एक अटैक और करेंगे और वो जो लूट बनेगा ना, उससे हम किंग एंड क्वीन दोनों को कर लेंगे, क्योंकि किंग को लगेगा क्वीन 56, किंग को लगेगा 51, मतलब 1,07,000 लगेगा टोटल, हम 1,07,000 शॉर्ट चल रहे हैं। बट कोई नहीं, मेरे पास यहाँ पे है इतना कि मैं कर सकूँगा, बट अभी नहीं, हम ओ भाई एक बिल्डर फ्री है क्या, डैंग इट, कोई नहीं, 40 मिनट बचा इसको तो हम जिम कर लेंगे, 40 मिनट में ज़्यादा जिम्स भी नहीं चाहिए होंगे। और पता है मैंने एक पेका क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि मैंने चेक किया कि यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है, जहाँ पे नहीं इवेंट नहीं, मुझे यहाँ पे सीजन चैलेंज में ना
एक इवेंट कंप्लीट करना है, ये 200 पॉइंट्स मिलने हैं मुझे, तो ये कंप्लीट करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट फिर से एक अटैक पे चलते हैं। मम्मा मी है ब्रोस, यहाँ पे भी 800,000 एलिक्सिर मिल रहा है और एलिक्सिर के पीछे मैं हमेशा जाता हूँ और मेरा हमेशा एम रहता है कि 7-7.5 लाख से ऊपर रहे तो ठीक है। अब ये बस 2-3 सर्च में मुझे मिल गया, काफ़ी अच्छा लूट है। तो प्लान कुछ ऐसा है, अब ये बेस इतना डेड नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सब ठीक ठाक इस बेस में है, तो हमें इलेक्ट्रोस पे थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अच्छे से डिप्लॉय करना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोस को। तो प्लान ये है कि हम यहाँ पे किंग एंड क्वीन को ड्रॉप करेंगे, एक इकलौता जो पिक्का है हमारे पास यहाँ ड्रॉप करेंगे ताकि एक दो बिल्डिंग क्लियर कर ले। मुझे पता है एक लेवल का पिक्का ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बट थोड़ा सा मैंने उम्मीद रखा है, ज़्यादा उम्मीद रखा भी नहीं है। अब हमारे इलेक्ट्रोज आ जाएंगे यहाँ से, वार्डन आ जाएगा, हमारे लून्स आ जाएंगे, रेज आ जाएगा, एंड थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ वार्डन एबिलिटी को होल्ड करूँ, ठीक है ये अब सही है। अब यहाँ पे मेरा ब्लिम्प आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्रीज आ जाएगा, एक और रेज आएगा यहाँ पे, लुकिंग गुड गाइस, लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके यहाँ पे एक और फ्रीज आ गया और ये मेरा सारे लून्स आके फिनिश करेंगे, नाइस वी आर गोइंग ग्रेट। यहाँ पे एक और रेज आ जाएगा, स्कैटर को फ्रीज कर देंगे और फाइनल रेज यहाँ आ जाएगा। आई होप सो हमने ठीक किया है। कम ऑन, यहाँ वाले इलेक्ट्रो साइड क्यों जा रहे हैं भाई स्कैटर को, अरे नहीं डेंग इट, ओहो यार इतना अच्छा कोर में गए थे बट फिर भी स्प्लिट होके बाहर आ गए तीनों के तीनों, नहीं दोनों इलेक्ट्रोस बाहर आ गए। अनफॉर्चुनेटली अब कुछ नहीं हो सकता, ट्रिपल तो नहीं हो पाएगा बट फिर भी ठीक है, लूट हमने ऑब्वियसली अच्छा सा गेन कर लिया है। दो फ्लैंक के जो इलेक्ट्रोज है ये शायद थोड़ा सा और वैल्यू निकाल लेंगे, बट अगर वो रेज पे जाके वो इलेक्ट्रोज एक चेन कर देते ना तो ख़त्म था बेस, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं क्योंकि रेज थे, ये तीनों डिफेंस एक साथ खत्म हो जाते हैं और बैक साइड पे तो भाई फिर पॉइंट डिफेंस थे, बट कोई नहीं थोड़ा सा बैड लक हमारे साथ था। और अब इलेक्ट्रोज में इतना दमखम है नहीं कि बेस को क्लियर कर पाएंगे, बट हमने एलिक्सिर ठीक ठाक गेन कर लिया, आई थिंक 7 लाख के आसपास हम एलिक्सिर लेके वापस जाएंगे। थोड़ा सा सैड हूँ मैं क्योंकि मेरे को चाहिए था पूरा फुल लेके जाऊँ, बट नहीं 6,63,000 थोड़ा सा कम मिला, बट चलो कोई नहीं। अब अपग्रेड्स की बारी आती है, दोनों हीरोज को अब अपग्रेड करना है, बट उससे पहले गोल्ड काफ़ी है तो इस गोल्ड को इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली वॉल्स पे अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा रो सिलेक्ट कर लिया और अपग्रेड मार दिया, भाई ये मज़ा भाई कुछ और लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल मज़ा ही। जब से वॉल्स के प्राइस कम हुए ना तब से ही आप ये कर सकते हो, इससे पहले तो आप कभी नहीं कर पाते ये चीज़, इतने सारे वॉल्स एक साथ अपग्रेड करना भाई बहुत बहुत मुश्किल, इससे पहले कभी नहीं हो पाता बट अभी ईजिली हो सकता है। तो ये सारा हमने गोल्ड जो है इन्वेस्ट कर दिया वॉल्स पे। अब हम थोड़ा एलिक्सिर है हमारे पास बट हम एलिक्सिर पे ध्यान नहीं देंगे, एलिक्सिर को अभी बचा के रखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेजरी में लूट था उसको थोड़ा सा गेन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड थोड़े से और वॉल्स हम कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे एक रो कर लेता हूँ मैं, परफेक्ट यहाँ पे एक ओके और कर सकते हैं, तो एक दो रो ऊपर वाले कर लेते हैं, नाइस एक और परफेक्ट, एक और हो पाएगा, ओह एक और हो जाएगा, बढ़िया ठीक है। अब थोड़ा सा गोल्ड सेव कर लेते हैं और एलिक्सिर काफ़ी है, एलिक्सिर हमें चाहिए, ये हमें आर्मी कैंप अपग्रेड करना है बट अभी फिलहाल बिल्डर जो एक ही फ्री है तो एक बिल्डर हम फ्री करेंगे विथ यूजिंग द जेम्स, ज़्यादा नहीं 11 जेम्स लग रहे हैं जो कि हम इजीली दे सकते हैं। और अब दोनों हीरोज़ की बारी आती है, तो ये गया किंग हमारा, ये गई हमारी क्वीन, दोनों हीरोज़ को हमने अपग्रेड पर डाल दिया है। बुक हमारे पास है बट अब हम बुक यूज़ नहीं करेंगे, अभी बाद में यूज़ करेंगे बुक्स, मे बी वार्डन पे यूज़ करेंगे क्योंकि वार्डन जो है वो अब एक हफ्ता लेना शुरू कर चुका है तो वार्डन पे हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास एलिक्सिर है, हम वार्डन को अपग्रेड कर सकते हैं, बट ठीक है चलो आने वाले टाइम पे करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आई थिंक सो इतना ही रखेंगे क्योंकि इससे बाद हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिल्डर्स सारे बिजी हो चुके हैं। मैजिक आइटम्स पे ध्यान दूँ तो कोई बुक ऑफ बोल रहा हूँ, बिल्डर पोशन नहीं है मेरे पास, बुक्स मैं सेव कर रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल। तो गाइज दैट्स इट, जो भी हमारा लूट था, जो भी हमारी चीज़ें थी हमने अपग्रेड कर लिया और काफ़ी अच्छा चल रहा है, रिदम जो है इस अकाउंट का वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। एंड ओके मेरे को लून्स अपग्रेड करना है, बहुत एक्सपेंसिव है, आई थिंक हैमर्स के साथ मैं जाने वाला हूँ, ओ है ही नहीं, लो कर लो बात, बट कोई नहीं गाइस थोड़ा हम फिर सेव करेंगे क्योंकि हैमर तो है नहीं हमारे पास तो हमें एलिक्सिर ही सेव करना पड़ेगा, बट वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी तक के लिए इतना ही था, आई होप शेयर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मैं मिलूंगा गाइस तो नेक्स्ट एपिसोड में, चैनल एज ऑलवेज, जय हिंद।